अभी तो ये पाकिस्तान की एक लड़की है जो कि श्रीलंका में क्रिकेट मैच देखने आई थी, विराट कोहली को देखने आई थी, और विराट कोहली की प्रशंसा उसने किस तरह से की, जरा एक बार सुनिए। बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी, मेरा दिल टूट गया। पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ, और दोनों साथ हैं। चाचा पड़ोसी से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना? अगर विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनना आपको तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली। आपने दोनों फ्लैग लगाए, एक्चुअली मैं आप क्रिकेट को सपोर्ट करने आई हूँ, पीस का पैगाम देना। और मित्रों, पाकिस्तान के अंदर से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आया है। समाचार ये है कि एक हिंदू लड़की जो कि अस्पताल में भर्ती थी, उसके साथ डॉक्टरों ने रेप किया। मित्रों, डॉक्टर्स ने रेप किया, सोचिए आप। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की इंतहा देखिए, पाकिस्तान के डॉक्टर्स रेप कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो ये किया उसका दंड पाकिस्तान को कैसे ऑन द स्पॉट मिला, आपको ये भी दिखाएंगे। और मित्रों, एक मुस्लिम मुल्क में ऐसा जबरदस्त विद्रोह मचा हुआ है कि वहां पे अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी वहां के नागरिक हैं यूएस के, वहां से फौरन लौट आए, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जरा देखते हैं। मित्रों, इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे लड़ाकू विमान तेजस की, जिसके बारे में चर्चा यह है कि अब अर्जेंटीना भारत का तेजस लड़ाकू विमान जल्द ही खरीद सकता है, ये भारत के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। तो मित्रों, ये पाकिस्तान से एक ट्वीट आया है, फराज परवेज ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के सिंध के अंदर एक हिंदू मरीज थी जिसका नाम सीमा था और वो किडनी की पेशेंट थी, और वहाँ पे जो मुस्लिम डॉक्टर्स थे प्राइवेट अस्पताल के अंदर, उन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया। ये पाकिस्तान की असलियत है, ये पाकिस्तान के डॉक्टरों के संस्कार हैं। डॉक्टरों को भगवान कहते हैं धरती पे, कि डॉक्टर धरती का भगवान है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो पाकिस्तान के डॉक्टर भी भगवान नहीं है। सोचिए आप मित्रों, एक जिसका अपना एक देश नहीं होता उसके साथ क्या क्या होता है। आपको एक देश यहाँ पे जो है हिंदुस्तान भारत, इस पे अपने प्रभाव को मजबूत करना है, अपने बच्चों के भविष्य को सोचिए। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो कहीं आपके बच्चों के साथ हिंदुस्तान में कल को ना हो, जरा इसको गंभीरता से खबर को समझिए। तो मित्रों, डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जो कि एक इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और उनका एक ट्वीट है जो इसी विषय पे है, मैं चाहता हूं कि उस वो बहुत भावुक करने वाला ट्वीट है, उसको आप जरूर पढ़िए एक बार। जो शव के साथ संभोग करते हैं वो जीवित बच्चियों के साथ कुछ भी करें, क्या आश्चर्य है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के हिंदू धरती पर नहीं मंगल ग्रह पर रहते हैं। ना हिंदू नेतृत्व को कोई लेना देना है, ना हिंदू साधु संतों तक इनकी पुकार पहुंचती है, ना हिंदू समाज को कोई फर्क पड़ता है, ना वैश्विक समुदाय कोई संज्ञान ले रहा है। राक्षसों के एक देश में इन निरीह हिंदुओं को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। 70 वर्षों से ये हिंदू अपना धर्म बचाने के लिए बिना शास्त्रों और धनबल के जिहादी राक्षसों से लड़ रहे हैं। मेरा और मेरी टीम का जीवन चुकने तक हम इन विलक्षण हिंदुओं के लिए लड़ते रहेंगे। तो ये ट्वीट है। तो मित्रों, उमेंद्र रत्नू जैसे जो महान कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके आसपास जो भी हिंदू संगठन है जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जी जान से मदद कीजिए, उनके साथ शामिल होइए। अगर आप उनके साथ शामिल नहीं हो सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम उनकी धन से मदद कीजिए, मगर उनकी मदद जरूर कीजिए। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं हिंदुओं की रक्षा में, और हिंदुओं का कर्तव्य है कि वो उनके लिए कार्य करें। अब तो पाकिस्तान में कैसे उत्पीड़न हो रहा है अल्पसंख्यकों का, एक और समाचार देखिए। पाकिस्तान में ईसाइयों पर तेज हुए हमले, ईश निंदा के आरोप में पादरी को मारी गोली, हालत गंभीर। क्या मामला है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अज्ञात हमलावर ने एक पादरी को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है, पर जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे से आखिर कब तक बचेंगे? अभी तो हालत चलो मान लो खतरे से बाहर है, मगर हालत कब तक बचेंगे इस खतरे से? अभी तो पाकिस्तान जो कुछ भी करता है उसका दंड भी उसको तुरंत का तुरंत ही मिल रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, समाचार अमर उजाला का है, कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है पाकिस्तान। अगस्त में आतंकी हमलों में 83% की बढ़ोतरी।
आंकड़ों के मुताबिक जुलाई की तुलना में अगस्त में 83% अधिक आतंकी हमले हुए हैं। जुलाई में पाकिस्तान को 54 हमले झेलने पड़े थे और PICSS की रिपोर्ट में 4 आत्मघाती हमलों का भी उल्लेख किया गया है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस साल लगभग अब तक 99 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और जुलाई महीने में 5 आत्मघाती हमले हुए पाकिस्तान पर, एक साल में सबसे ज़्यादा है। और कुल मिलाकर देश में 2023 के पहले 8 महीनों में 22 आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें से 227 लोग मारे गए हैं और लगभग 500 लोग घायल हुए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 24 आतंकवादी मारे गए, यानी कि आप देखिए तो बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में 65% की बढ़ोतरी हुई है, जो जुलाई के मुकाबले 17 से बढ़कर 28 हो गई है। यानी पाकिस्तान जो कर रहा है उसका फल भी उसको भुगतने को मिल रहा है। और पाकिस्तान में महंगाई का आलम क्या है? पाकिस्तान में महंगाई से आवाम त्रस्त। अब चीनी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अब इस समय स्थिति यह है कि पाकिस्तान में चीनी 220 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो पहुंच। और एक और समाचार देखिए, कैसे पाकिस्तानियों को भगवान सजा दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को किया ढेर, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान में CTD यानी आतंकवाद विरोधी विभाग ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बलूचिस्तान प्रांत में CTD ने 8 आतंकवादियों की एक मुठभेड़ में मार गिराया। और देखिए मित्रों, कैसा बुरा हाल है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में मुसलमानों को मार रहा है। और देखिए जागरण में क्या छपा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में तनाव, US ने जारी किया यात्रा परामर्श, नागरिकों को वहां जाने के लिए सतर्कता बरतने को कहा। तो यह क्या मामला है जरा देख लेते हैं मित्रों। ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये खबर वॉशिंगटन से है। गुलाम जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में मौलवियों की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद के बाद प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाके के तनाव के मद्देनजर अगले आदेश तक पूरे क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान सरकार ने इलाके में सेना तैनात किए जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि चेहल्लुम के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की मदद मांगी गई है। अमेरिका ने यात्रा परामर्श जारी किया है, यानी एडवाइजरी जारी की है, और अपने नागरिकों को गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए वहां जाने को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। और पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने स्कार्दू और दियामेर क्षेत्र में हाल में हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा है कि यहां भीड़ हिंसक हो सकती है। इससे पहले शनिवार को ब्रिटेन और कनाडा ने भी गिलगित बल्तिस्तान को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। यानी गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, हालात बहुत कठिन हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और मित्रों अब मैं बात करूंगा तेजस की। G20 के बाद भारत और अर्जेंटीना के बीच होगी एक और बड़ी डील, तेजस सौदे को भी मिलेगी मंजूरी। क्या मामला है? भारत और अर्जेंटीना के बीच पिछले 7 दशकों से रिश्ते कायम हैं। अगले कुछ दिनों में ये रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। भारत के साथ तेजस की डील करने वाले अर्जेंटीना ने रक्षा, खनन और लिथियम जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग को और तेज कर दिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज अगले हफ्ते भारत में आयोजित हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उनका यह दौरा भारत के साथ रक्षा संबंधों को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अर्जेंटीना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने का विचार कर रहा है। उसने उत्पादक सहयोग परियोजना के जरिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉडल को शामिल करने में रुचि व्यक्त की है और भारत की अत्याधुनिक आधुनिक 4थी पीढ़ी का तेजस लड़ाकू विमान भी अब इस दौड़ में शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर के मित्रों बात यह है कि जब अर्जेंटीना और भारत के बीच में तेजस को लेकर डील उठती, मित्रों मैं यहां हमेशा बार बार कहता हूं कि जो देश अपने हथियारों को बेचता है, हथियार बनाता है, उस देश का भौकाली अलग होता है, उस देश का रुतबा ही अलग होता है, उस देश की शानी अलग होती है। और भारत अब न सिर्फ हथियारों को बना रहा है बल्कि हथियारों को बेच भी रहा है। और तेजस को लेकर के अजीटा के साथ, अर्जेंटीना के साथ बातचीत चल रही है। और मित्रों आपको बताऊं कि जब बातचीत ये चल रही थी उसी समय अमेरिका भी कूद पड़ा और अमेरिका ने जो है अपना F-16 विमान जो है वो तेजस के मुकाबले खड़ा किया कि हमारा F-16 ले लो और तेजस छोड़ दो। यानी किस तरह की कूटनीति, किस तरह की मारकाट होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामान को बेचने के लिए, उसका एक जो नमूना है वो अब हम देख रहे हैं। और सबसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब कम से कम अमेरिका भी हमसे कंपटीशन कर रहा है कि भाई ये तेजस बिक रहा है तो हम क्यों ना बेचें यहाँ पे अपना। तो अपने आप पे बहुत ही खुशी की बात है मित्रों। मोदी जी का जो विजन है मैं समझता हूँ इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ।